शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या हरिया, बहुत शौक था ना इस जमीन पर हल चलाने का तुझे? चल अपना शौक पूरा कर, चला हल। इसी जमीन पर हल जोतना था ना तुझे? हाँ चल। यह उस थप्पड़ का जवाब है जो तूने मेरे मुंह पर मारा था। इन हाथों के साथ, इन हाथों के साथ हल जोतेंगे। उठ, लगता है शौक पूरा हो गया तेरा। खोल दो इसे और बंदूक दो मुझे। हरिया, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हमारा खून एक है, अपने कुत्तों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक कर यहां से दफा हो जाए। जो जमीन 2000 में रहन रखी गई थी, उसके सूद के तौर पर श्री राम सिंह और इनके स्वर्गीय पिता श्री हरनाम सिंह 18,000 दे चुके हैं, यानी श्री राम सिंह असल रकम से कई गुना ज्यादा सूद अदा कर चुके हैं। इसके बावजूद ठाकुर बलराम सिंह ने 9 साल से जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है। अरे अनर्थ, चुनांचे ये अदालत फैसला करती है कि श्री राम सिंह अदालत में सिर्फ 2000 की असल रकम जमा करके अपनी जमीन पर कब्जा हासिल कर लें। अरे वाह वाह, ये हुई ना जीत। यार राम सिंह क्या है, लड़ा है क्या जीता है? आंसू पोंछ लो राम सिंह,
इन आंसुओं की तुम्हें आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस जीत का दाम तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इस जीत का दाम मैं चुका चुका हूं अपने पिता के जीवन से और अपने जीवन के उन बरसों से जिनमें मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। चलो रुक्मणी, लगता है हुक्म का हिसाब बहुत कमजोर है, आओ बैठे। ले लो, इस जमीन का बेनामा है, इसका मतलब है कि तुमने ये जमीन मेरे हाथ बेच दी। हस्ताक्षर कर दो। और मैं ये जमीन नहीं बेच रहा हूं ठाकुर साहब। तुम ये जमीन बेच चुके हो राम सिंह, बेच चुके हो। अब जल्दी से सही बना दो, बहुत धूप लग रही है। मैं सही नहीं बनाऊंगा ठाकुर साहब। अरे तू चुप जा। छोड़ दे इसे कमीने। सही बना दे, अस्पताल भिजवा के पट्टी करवा दूंगा तेरी। चाहे तुम मुझे जान से मार डालो, मगर सही तो मैं नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुझे मार कैसे सकता हूँ? अगर तू मर गया तो सही कौन बनाएगा? मुझे ये जमीन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। ए चुप। छोड़ दे। ए, इसकी बीवी बड़े मजे की लगती है। नहीं छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। रोक दो ठाकुर, रोक दो ये सब कुछ। मैं सही बनाता हूँ संग्राम सिंह, बस। जान से प्यारी तो है, पर आबरू से प्यारी कोई जमीन नहीं। विलास सिंह, बेनामा और कलम। करो यहां। सब मुझे
शक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवाज की। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवाज की। ये पागल दिल मेरा पायला काका। अरे हरिया पायला बाबा, हम कैसे याद आ गए एकदम से। लो बोलो, और है कौन जिसको याद करे। माता पिता के नाम पे आप हो, घर के नाम पे ये मंदिर। इसे भगवान की कृपा जान कि तेरे पास लौट आने के लिए मैं तो हूँ, भगवान का ये घर तो है। ये बता आपके मेरे लिए क्या लाया है। अरे बाबा, अब की बारी तो हम वो चीज लाए हैं जो जिंदगी भर हमारी तरह आपके चरणों में पड़ी रहेगी। भगवान तुझे सुखी रखे। पर ये तो बता, हवा की झोंके की तरह कब तक भटकता रहेगा इधर उधर, अपना घर बार बसा ले बेटा। बाबा, ताश की बाजी में एक लंबा हाथ जीत लेने दीजिए, फिर देखना मलाई बर्फ की तरह जम जाऊंगा। बाबा, ये अपनी पगली माई कैसी है। वैसी ये है भी और नहीं भी। ओह, और अपना बलराज। पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई है, सुन रहा हूँ आने ही वाला है। दो चार दिन रहोगे ना। हम यही सोच रहे थे बाबा कि आपने ये बात हमसे अब तक पूछा कैसे नहीं। बाबा, जब भी आप हमसे ठहरने के बारे में पूछते हो ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमसे खिसकने के बारे में कह रहे हो। भगवान जी के दर्शन कर ले। हाँ हाँ बेटे, कर लो कर लो। अबे हट, कहा ना इसे जमीन के बाहर फेंक। क्या हो रहा दुर्जन सिंह, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब की हमार पगली माई के साथ कभी कोई बदतमीजी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे जा जा, बड़ा आया धमकी देने वाला। मेंढकी को भी जुकाम हो गया दुर्गा साहब जी। अगर दुर्जन सिंह एक खुराक जूते का जोशाना पिला दें तो ठीक हो जाएगा। अबे ओ दुर्गा साहब, लगता है हुक्म के दस्तरखान की बची हुई हड्डियां खाखा कर तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। नहीं अबे, मुझसे बात कर। अरे हम कुत्ता लोगन से बात नहीं करते हैं। क्या बोला। कुत्ता बोला, कुत्ता सुनाई नहीं दिया। कुत्ता, और वो भी खानदानी नहीं, लैंडी का। अरे तू अपना माँ से भी ऐसा ही बर्ताव करता है का है? मेरी माँ क्या दूसरों की जमीन पर धरना देती है। अरे ये जमीन का अपनी नार से बांध कर जन्म लिया था तोरा हुक्म। देख हरिया, तुझे पुजारी ने पाला है, इस वास्ते इतना ख्याल किया, इसे लेकर हट जा यहां से। हाँ अरे माई, तुमका भी कौन हकीम बैद कह दिया है कि इस जमीन पर टहलने रोज शाम सवेरे आया करो। अरे तुम ठाकुर को नहीं जानती, एक नंबर का सुअर आदमी है, सुअर। हरिया हरिया, उस बूढ़े पुजारी की वजह से ये हरिया की बला मेरे गले पड़ गई है। तुम एक काम करो, बूढ़े पुजारी को मंदिर से उठा लाओ। Thank you.
सुना है हरिया फिर वापस आ गया। पर वो रुकेगा नहीं हुकुम, दो चार दिन में चला जाएगा जैसे वो सदा करता है। तुम्हें यह तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हरिया उस वक्त तक सांस लेता रहेगा जब तक उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जिस दिन उसे सब कुछ मालूम पड़ जाए उस दिन मैं तुम्हें और उसे एक ही चिता में जला दूंगा, जिंदा या मुर्दा। उसे कुछ बताने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूं? इसका परिणाम मैं जानता हूं हुकुम। ठीक है जाओ। जी दुर्जन, बलराज कब आ रहा है? राम चाहते कुत्ते, एक कमी में जिस थाली में खाते हो उसी की थाली में छेद कर दो। दुर्जन नमस्ते छोटे ठाकुर, आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है? इस हरामजादे की धूल छुड़ा रहा हूँ कुंवर जी, आप ही के जंगल से लकड़ियां चुरा रहा था। इतनी सी बात पर इस गरीब को चाबुक से मार रहे हैं? ये लोग सदियों से यही जुबान समझते चले आ रहे हैं कुंवर जी। इससे तो बहुत लगती होगी ना? हाँ कुंवर जी, चमड़ी निकल जाती है। कुंवर जी क्या करें आप? छोड़ दो से और बतौर जुर्माना 100 रुपया इसे दवा दारू के लिए दे देना। अरे मुसाफिर की गाड़ी प्यासी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? दीदी नहीं है क्या? कुआं सामने, वहीं जाकर ले ले। अरे तो कुछ ऐसा करना कि कुआं प्यासे के पास आ जाए। कौन है रे तू? कौन नहीं है तो अपने वाला ही। तुम्हारे माताजी वगैरह अंदर ही है? माताजी गई हैं वैजी के पास और उनके वगैरह गए हैं हुकुम के पैगाम पर। तुम उनसे मिलने आए हो क्या? उनसे कभी ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा ना। वैसे इस वक्त तो हम तुमसे मिलने आए हैं। नहीं नहीं, इस वक्त मुझे बहुत काम करना है। कब आए? आए कहाँ हैं, अभी तो आने के रास्ते पर थे कि हमारी गाड़ी ने आपका दरवाजा सूंघा और रुक गई। हम उतर के यहाँ आ गए तुम्हारे पास। सोचा दिल की प्यास तो बुझेगी नहीं, कम से कम आंखों की प्यास तो बुझा ले। क्या हुआ? बुझ गए। अच्छा अब हम चलते हैं, वरना हमारे चाचा जी सोचेंगे कि उनका इकलौता नौजवान भतीजा न जाने किस रेगिस्तान में लैला लैला पुकारता गुम हो गया। शाम मिलते हैं। अच्छा अपना दरवाजा तो बंद करो वरना हम जाएंगे कैसे? जब तक तुम दरवाजे पे खड़े हो मैं दरवाजा कैसे बंद कर सकती हूँ? अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे गौर से देखने दो अपने भाई साहब की आखिरी निशानी को। बेटा जब तुम हॉस्टल गए थे ना तो मैंने तुम्हारे वार्डन को एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो उसकी सेहत यकायक बहुत खराब हो जाएगी। लगता है उस चिट्ठी का असर हुआ है, तुम बिल्कुल तरोताजा लग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? पढ़ाई तो खत्म हो गई चाचा जी। अब आगे क्या इरादा है? सोच रहा हूँ आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। आर्मी? बेटे मैं ये तो नहीं चाहता कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ, लेकिन क्या करूं, हमारे खानदान की परंपरा यही है। खैर यही होगा, मुझे कुछ और साल जिंदा रहना पड़ेगा ताकि जब तुम रिटायर हो जिम्मेदारी ज्यादा तुम्हारे हवाले कर दूं। नहीं चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको तो 100 बरस तक की जिम्मेदारी संभालनी है। नहीं बेटा इतना कौन जीता है। बेटे अब वक्त आ गया है कि मैं गुर की कुछ बातें तुम्हें समझाऊं। जी हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर एक कहावत घड़ी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भारत चाहे प्रजातंत्र हो जाए चाहे अर्थतंत्र हो जाए, एक बात याद रखना, भाषा हमेशा जूते की ही समझी जाती है, जूते की। लगता है चाचा जी मेरे पहुंचने से पहले दुर्जन ने मेरी शिकायत आप तक पहुंचा दी। इसे शिकायत नहीं कहते बेटे, नमक हलाली कहते।
वफादारी कहते हैं। इस वफादारी की इज्जत करना सीखो, क्योंकि बेटे दुर्जन जो भी कहेगा तुम्हारी भलाई के लिए कहेगा। लेकिन जमाना बदल गया है चाचा जी। अखबारों में मैं भी यही पढ़ा करता हूं, लेकिन वो बदला हुआ जमाना आसपास कहीं नजर नहीं आता। जमींदारों की जगह एमएलए आ गए हैं, एमपी, मिनिस्टर्स। वही जूता जो कल हमारे हाथों में बोला करता था आज उनके हाथों में बोलने लगा है, लेकिन बोलता जूता ही है। जमाना लाख बदलता रहे चाचा जी, मगर आप नहीं बदलेंगे। बहुत मुद्दत के बाद मिलता है यार। अरे श्री हरि नारायण सिंह उर्फ हरिया, ये गांव की फिक्र में काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, और जवानी कैसे बीत रही है? अरे गुरु, जवानी तो हमने यार कुंवर बलराज सिंह उर्फ छोटे ठाकुर पे लहरा रही है। कब आया गुरु? कल शाम को वापिस आया। गुरु ये ले। ये क्या है? दारू है गुरु, पहली धार का टीका ले। हरिया रात तो रात, अब दिन में भी शुरू कर दिए। अबे छोड़ इसे, हाँ, और कुछ काम धाम में लग जा। अरे गुरु, ये गांव में कौन सा काम मिलेगा? अबे तो शहर जाके क्यों नहीं बसता? तो जैसे जवान को शहर में काम की कमी है क्या? हाँ ये बात ठीक है गुरु, लेकिन क्या बात है कि जब भी हम शहर जाते हैं ना, ये ससुरी गांव की याद बार बार हमको खींच लाती है। अरे क्या डल गया, कहाँ लपक रहे? कहीं नहीं, मैं तो जरा गांव की सैर करा था, ऐसे ही सोचा बाकी। एक बैग से परेशान हो गए तुम, कुछ तबीयत उबीयत तुम्हारी ठीक है ना गुरु? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो क्या है कि गांव में आके पानी वानी बदल गया ना, कोई इसकी वजह से पेट में दर्द। मैं जरा बैठ जी। अरे क्या था गुरु, आज हमारी भी तबीयत थोड़ा नरम गरम है। हम भी गुरु आज वैद्य से मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तेरी तेरी तबीयत खराब है ना, तो तू ऐसा कर कि तू हकीम जी के पास। हम जाए हकीम जी के पास और तुम जाओ गुरु वैद्य जी के पास। अरे मर्द आदमी, हमसे ही छुपाता, जा वैद्य से इलाज करा के। आज के बाद मैं नाग देवता की पूजा किया करूंगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मेरी बाहों की प्यास बुझा दी। लगता है तुम पिछले जन्म में केतु की प्रेमिका रही होगी। केतु, वरना इन आंखों को देखे बिना कभी ये कैसे कह सकता था, अमीये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जीवत मरत झुक झुक परत जह चित वन एक बार। लगता है इस कृष्ण भाषा से दिल की बात नहीं समझ सकी तुम। ठीक है, तुम्हें सीधे साधे लफ्जों में समझाता हूं। गोरे गोरे चांद से मुख पर ये काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं। बस बस दूर से बात करो, जब मिलते हो बड़े चोचली करते हो, ऐसे तो मैं याद भी नहीं रहती। हरिया से क्या गप लड़ा रहे थे? हरिया से गप थोड़ी लड़ा रहा था मैं, तो उसको टाल रहा था। तुम्हें तो मालूम है उसको टालना कितना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, बेचारा जेब का जरूर छोटा है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। काश मेरा दिल भी इतना बड़ा होता, एक तो पहले से सिर्फ इतना है, ऊपर से सिर्फ तुम समा के रह गई। सोच रहा हूँ अपने दिल को डबल स्टोरी करवा लो, ताकि कुछ और चीजों को रखने भी तो जगह बन सके। और कौन सी चीजें? अब क्या ही चीजें हैं, एक आध का नाम हो तुम। एक का नाम लेके तो देखो। कल्पना। ये कल्पना हुई कौन है? लड़की है, लड़की मेरे कॉलेज मेरे साथ पढ़ती है। हाय अल्लाह रे, जिसमें यार की खूबी के खुद बखुद रंगीनियों में डूब गया बहरान तमाम। क्या उसकी चाल थी और क्या उसके बदन का लोचा, बदन की लोच, बदन की लोच बड़ी अच्छी थी, चाल चाल उसकी बड़ी अच्छी। वो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, कल्पना तेरे दोस्त है वो। अरे चुड़ैल बेशरम, राजघराने में आंख लड़ाने से पहले अपने बाप की तरफ से देख लिया होता, हुकुम को जरा भी भनक पड़ गई ना तो तेरी बाप की खाल खिंचवा कर भूस भर देगा भूस। ना रो बेटी, तेरी माँ ठीक ही कह रही है, धरती को आकाश का सपना नहीं देखना चाहिए। मुल्तान बस करो, बहुत रात
रात हो चुकी है, गांव जाने के लिए कोई एक का टांगा भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि तीसरा पत्ता देख ही लेते हैं। देख लो। छुप जा बेटा, छुप जा। तो हमारी एक चाल और आ गई। शो कर दे। अरे भैया, दुल्हन की मुंह दिखाई तो धरो। ले यार, दिखा बाजी। देखो, ई रही रानी, गौना करवाने ई आया राजा, और इक्की पे बिठा के ले गया। अरे घसीटा, घसीट ले सारा माल और निकल ले पतली गली से। क्या करता है? अरे घर जाने की सोच रहे थे भैया। एक हाथ और खेल के जा। ई देखो, अरे जुआ खेलने का शौक है तो पहले भले मानुष की तरह हारना सीखो, बड़बड़ ना ही करो। अब और कोई श्रीमान रोकना चाह रहे हो तो जल्दी करो, हमको बहुत नींद आ रही है। बहुत नींद आ रही है। चल घसीटा। अबे ओ लल्लू, दारू खत्म हो गई, इधर कहीं नौटाक मिलेगी क्या? नौटाक तो छोड़ो, घर जाने को बत्ती नहीं मिलेंगी, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अरे बाप रे। अरे इधर आगे एक रेस्ट हाउस है ना, चल आज रात उधर ही गुजारते। चल लो। चलो वही गुजारेंगे। चौकी साहब, कोई कमरा मिलेगा क्या? यहाँ कोई कमरा हमारा खाली नहीं है। अबे पागल हो गया है क्या? ठाकुर ठाकुर नहीं जानता तू? माफ कीजिए हुकुम। आओ बालू को। आइए। चौकीदार जी, यहाँ और कोई ठहरा है का? जी हुकुम, यहाँ एक कायदे कानून वाली देवी जी ठहरी है, यात्रा को निकली है। यात्रा? काहे की यात्रा? कल भैरों घाट के मंदिर पर बहुत बड़ी पूजा है, वहां जाएंगी।
इतनी मीठी आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। अरे देवी जी संभल के। अरे ओह, अरे जोर मत डालिए पापा, जोर मत डालिए। अरे ओहो, तो जाइए आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये पूछा ना आपने 125,000 टके की बात, लगता है आपके पाँव में मोच आ गई है। अब आप कुछ नहीं कर सकती है। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अब अपना जरा पाँव दिखाइए। अब हम कुछ करते हैं। आहिस्ता से यहाँ रख दीजिए संभाल के। हाँ, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मोच लगी है। हम ठीक कर देते, हम ठीक कर देते। आप तनिक सांस रोकिए, तनिक रोकिए। अब बिल्कुल ठीक हो गया है। 3-4 दिनों में बिल्कुल आप चलने हाँ? फिरने लायक हो जाएगी। 3-4 दिन में? अरे हम तो कम कह रहे हैं, कोई डॉक्टर होता तो हफ्ता दो हफ्ता के लिए लिटा देता। अब इसको बांधने की जरूरत नहीं। ये लो पट्टी। हाँ, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब आप जरा हमारे कांधे का सहारा ले लो। हाँ, हम आपको अंदर तो छोड़ आते हैं ना। जंग सीता उस्ताद अंदर अपन बा। हाँ, हम तकिया ठीक कर देते। हाँ, ऊपर रखिए आराम से। मैं 3 दिन यहाँ कैसे रहूंगी? आप आराम से लेटे रहिए ना। 3 दिन तक आपके साथ साथ हम भी तो फंस गए ना। वो कैसे? अरे तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ साड़ी फाड़ के पट्टी बांध देने से काम बन जाएगा? हाँ, इस पत्ते में कुदरत का कमाल छुपा है। दर्द को खींचने में इस पत्ते का जवाब नहीं। हाँ, बस अब इसको ऐसा ही पड़े रहने दीजिए। अब देखिएगा सवेरे तक ये पत्ता क्या कमाल करता है। हम चलते हैं, सवेरे फिर मिलेंगे। ये तो हमारी फीस है डॉक्टर साहब, इलाज मुफ्त में नहीं करते हैं। ये देखो पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये पत्ता बड़ा बेईमान निकला, 3 दिन का काम 1 दिन में कर गया। अब मरीज ऐसे ठीक होने लगे तो डॉक्टर तो गया ना बेचारा काम से। हा? अब जरा चल के दिखाओगे हमको? हाँ, बस हौले 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 जी, खड़ा करके खड़ी हो जाओ साहब। आओ आओ।
करीब आकर डर गए थे, इसलिए बहुत दूर जा रही हूं। गुरु चलो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। गुरु खुशी की बात यह है कि अब हम भी बीमार पड़ गए हैं ना। बीमार पड़ गए किस पे? अरे हमको भी एक बैज जी मिल गए गुरु। अरे मुबारक हो। लेकिन ये बैज जी कौन है, नाम क्या उनका? नाम पता कुछ मालूम? अबे रहा का रहा, वही ना उतिया। हाँ अबे बैज जी मिल गए लेकिन नाम पता कुछ मालूम नहीं। अरे मुंह उधर करके बात कर। हाँ नाम पता कौन सी बड़ी बात है गुरु, वो भी मालूम हो जाएगा। तू नाम पता मालूम कर, मैं चलता हूँ। कहाँ? अपने बैज जी के पास। बीमारी बढ़ गई है ना इसलिए वो गोली। हरिया जरा देखा क्या है? तू क्या ले, पहली दर का गुरु ले। तू इधर जाएगा? नहीं उधर। अच्छा ये नहीं सुधरेगा। अब इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? खाकी वर्दी मेरी सौतन हो गई है ना। पागल है, बिल्कुल पागल। अरे ट्रेनिंग के बाद किसी फैमिली स्टेशन पर पोस्टिंग होगी, होगी ना? हाँ। और फैमिली स्टेशन के लिए फैमिली की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना? फैमिली के लिए शादी करनी पड़ेगी, है ना? हाँ। लेकिन मैं शादी किससे करूंगा? हाँ की माँ तुमसे। लेकिन हुक्म मानेंगे? हुक्म क्यों नहीं मानेंगे? हुक्म को मानना ही पड़ेगा क्योंकि चाचा जी का मेरे सिवा और है कौन, जैसे तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? रायगढ़ी के ठाकुर हरपाल सिंह, अपनी इकलौती बेटी के लिए तुम्हारा हाथ और अपनी बेशुमार दौलत के लिए तुम्हारी जेब मांग रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि जाने से पहले अगर मैं तुम्हारी सगाई उनकी बेटी के साथ कर देता तो अच्छा होता। चाचा जी मैंने आपकी बात कभी टाली नहीं, मगर मगर तुमने मुझसे मगर कहा जी। मेरा मतलब चाचा जी मैं राम सिंह जी की बेटी से शादी करना चाहता हूं। राम सिंह जी? ये राम सिंह जी कहां के ठाकुर हैं दुर्गा साहब? कुंवर जी अपने राम सिंह की चर्चा कर रहे हैं हुकुम। मैं कह रही हूं कल के नाखून लो दुर्गा साहब जी, कुंवर जी कह नहीं रही पर मारिए वही पकड़ तल्ले वाला राम सिंह। पकड़ तल्ले वाला नहीं, पकड़ तल्ले वाले कहिए। माफी हुकुम माफी। मैंने उनकी बेटी से शादी करने का फैसला कर लिया चाचा जी। फैसला? जब तक मैं जिंदा हूं इस खानदान में सारे फैसले मैं करूंगा। अगर तुम्हें फैसला करने का शौक है मेरे मरने का इंतजार करो। तो ठीक है फैसला आप ही कीजिए, मगर मैं शादी वहीं करूंगा। मैं उस झोपड़े में बारात लेकर नहीं जाऊंगा। अनगिनत पीढ़ियों से वो खानदान हमारे सामने जमीन पर माथा टेक कर हमें हुक्म कहता चला आया। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं चाचा जी, मैं ये सब नहीं मानता। अगर मैं शादी करूंगा तो राम सिंह जी की बेटी। राम सिंह? राम सिंह जी मत कहो। एक और बात याद रखना मेरी। मुझे मालूम है इससे पहले कि आपके मुंह से कोई कड़वी बात निकले मैं खुद ही हवेली छोड़कर चला जाता हूं। जिस राम सिंह ने कुंवर जी को अपनी बेटी से ब्याह करने की आज्ञा दी है वो राम सिंह अपनी आज्ञा वापस भी तो ले सकता है। करामत अली जी जाओ और जाकर बलराज को वापस ले आओ। अरे मादर तेरी, तेरी फादर के का दोस्त हम पर ही। साले तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। ढेर सारी खुशियां लेके आया। खुशखबरियां? हाँ खुशखबरियां। अच्छा बोलो। तो सुन खुशखबरी नंबर एक, मेरी शादी उस बैजी से पक्की हो गई। वाह 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 गुरु वाह। और खुशखबरी नंबर दो, आर्मी से हमें ट्रेनिंग का कॉल आ गया है। हाँ और खुशखबरी नंबर तीन, बकलम हरि नारायण सिंह हरिया के लिए आप मेरे साथ चलेंगी फौज में भर्ती होने के लिए। देख भाई देख, बचपन से आज तक हमने अपनी दोस्ती निभाई है।
बस अब यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच दे, फौज में हमें भर्ती नहीं होना। अबे ओए रावण, भगवान ने तुझे फौज में भर्ती होने के लिए ही बनाया है। देख मेरी बात जरा ध्यान से सुन, फौज में कैसे आदमी की जरूरत होती है? दिलेर की ना, सो तू है, मारपीट से कभी तू घबराया नहीं, मुक्के का जवाब मुक्का। और सबसे बड़ी बात फौज में कि अफसर के ऑर्डर को बिना सोचे समझे मानना, सो इस काम के लिए तू बिल्कुल फिट है। पता है क्योंकि भगवान ने तुझे सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। नहीं नहीं, नहीं और भी फायदे, राशन पानी फ्री, जंगल पानी फ्री, और तुझ जैसे बेघर के लिए वाटर फ्री, और सबसे बड़ी बात हरि नारायण हरिया, वहां दारू भी फ्री। अरे बस 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 कुंवर जी बस, जरा हमारी भी तो सुनो भाई, बाकी सब तो ठीक है पर तुम्हारी फौज का टाइम टेबल जरा उल्टा है। यहाँ पे हमारा जो सोने का वक्त है वो वहां पे सुबह उठने का वक्त, यहाँ जो हमारा दारू चढ़ाने का टाइम है वो वहां पे लेफ्ट राइट करने का। और कुंवर जी रही बात फ्री हवा पानी और दारू की, तो तुम्हारे फौज में दारू पी कर हुल्लड़ मचाने पे कोर्ट मार्शल भी फ्री, हालत पतली भी फ्री, और क्वार्टर की जगह पे काल कोठरी भी फ्री। रही बात दिलेरी की भैया, तो दिलेरी तो मुक्का खाके मुक्का मारने में है ना, है? अरे गुरु तुम्हारे फौज में गोली खाके हम किसका का मार लेंगे बोलो, है? तो भैया फौज रही मुबारक तुमको, तुम जाकर उधर देश की रक्षा करो और इधर हम तुम्हारे बैची की रक्षा करते हैं गुरु। तो हर मर्जी। सुनो, मुझे अब भी डर लग रहा है। क्यों, अब डरने क्या बात है, अब तो शादी की बात तय हो चुकी है ना। देखो ये समझो मैं गया और आया। ऐसे उदास चेहरे से भेजोगे? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, ऐसे मुस्कुराते रहो, ऐसे जब तक मैं ना आऊं, लौट के आऊंगा अब फिर गांव तुम्हारे, अपने द्वार पर दीप जलाए रखना। क्यों गोपू महाराज, बर्बाद जवानी, आज तो तुम लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सारा माल बटोर कर हम चल दिए गुरु। वाह गुरु वाह, जीत के चल दिए ऐसे ही। क्या बात है गुरु, बड़े खुश नजर आ रहे हो, और खेलने का इरादा है क्या? खेलना तो है गुरु, मगर कोई नया खेल खेलेंगे, वो भी तुम्हारे जीते हुए पैसे के साथ। अरे वाह गुरु, मजा आ गया आज तो। कहीं पर
उस दिन से आपको खोज रहा था। जरा एक खत पढ़कर सुना तो दीजिए क्या लिखा है। एक कोठी वाली किसी ठाकुर को और लिखती भी क्या, सच बोलने लायक था नहीं और आपसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहा। अरे तो हम कौन सा सच बोले थे, कैसा ठाकुर, कहां का ठाकुर, ना मां ना बाप, खानदानी अकेला हूं। और जब हम सोचे कि हमारा अकेलापन खत्म हो गया तब तुम ये चिट्ठी वहां छोड़कर चली आई और हम ये चिट्ठी अपने हाथ में पकड़े पकड़े ये सोचने लगे कि हे बाबू हरनारायण सिंह तुम ये सपना काहे देखा भाई। इसी सपने के डर से तुम्हें भागी थी, जो तुम्हें पता होता कि मैं ये हूं तो क्या तुम सपना देखते। अरे तुम न ये हो न वो हो, तुम हो। हम तुमसे प्यार किया है और प्यार कोई खिड़की दरवाजा नहीं कि तुमको यहां कोठे पे देख लिया तो दरवाजा बंद। और इसी बात पे आज से जुआ खेलना बंद, बिल्कुल बंद। कोई मेहनत मजदूरी और सराफत का काम करेंगे। ए हनुमान सिंह ले चल, उठा अपना मेंटल। अरे अंगूठा तो लगा, अरे ताने हाथ का नहीं पागल मेरा, कल का और आज का मिला के ये हो गए। चल ले, चल जा, जा भाई जा।
भाई फूल सिंह तू भी आ, चल आ। अरे अरे मजबूत सिंह क्या करता है, तुम बलियों को हाथ ना लगाना, किशन करके ठाकुर चंद्रकांत सिंह के लिए मैंने अलग रखवाई है। अरे हरिया अब तू भी आ जा। अरे एक दिन में तीन दिन का काम तो तूने कर दिया। बाबा हाँ, ये तुम्हें लेना होगा इस वास्ते कि ये पत्तेबाजी की कमाई नहीं है, गाढ़े पसीने की कमाई है बाबा, मेहनत की कमाई। आईने में कब तक बंद रहेगी मूर्ति, आईने को तोड़कर निकल क्यों नहीं आती? बस सिर्फ एक कमी रह गई। अब बनी न बात, और अब एक मजे की बात सुनो, कल रात हम एक बहुत फर्स्ट क्लास सपना देखा। कहा देखते हैं कि एक लड़की छड़े से छड़ा बजाती चली आ रही है। हमने उससे कहा कि साहब आप कौन, तो वह हंसकर बोली कि हम तुम्हारे मुन्ने की मां हैं। सूरत शकल ऐसी कि उसको उठाकर तुमको बिठा दे, या तुमको उठाकर उसको बिठा दे, जरा बराबर भी फर्क नहीं। बताओ ये सपना मजेदार था या नहीं? कहो तो इस सपने को हकीकत में बदल दे। आपको मेरे सपने का पता कैसे चल गया? अरे प्यार मोहब्बत में तेरा मेरा कहां से आ गया, दोनों का सपना तो एक ही है। जय बजरंगबली। अरे, काम शुरू करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मुझे तुझसे काम करवाना भी है कि नहीं। काहे ठेकेदार भाई, कल तो आप हमारे काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत शाबाश शाबाश कह रहे थे। बात वो नहीं, तो क्या बात है? गौर से सुन, इस पूरे इलाके में तुझे काम देने की हिम्मत किसी में नहीं है। ठाकुर साहब का हुक्म है। ठाकुर साहब का? हाँ हाँ, ठाकुर साहब का हुक्म है, और जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे ठेकेदार भाई, ठाकुर साहब का हमसे कहा बैर हो गया? देख हरिया, ये तू जान और ठाकुर साहब जाने, मुझे बीच में मत घसीट। वाह हुकुम वाह, यह चाल तो मेरे पुरखों को भी नहीं सोच सकते थे। अरे वो कभी शतरंज खेले भी होंगे, ये तो शाहों का खेल है, या हम सिपाहियों का, या हमारे हुकुम खेले, या उनका ये खादिम। छोड़ो हमें। ये बदतमीज कौन है दुर्जन? यही हरिया है हुकुम। यहां क्यों आया है? इस सवाल का जवाब दुर्जन सिंह क्या देंगे? आपने सबको मना कर दिया है कि कोई हमको काम न दे। हमको काम नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे, और फिर हम ठहरे तंदुरुस्त आदमी एकदम से मर कैसे जाए? इसलिए हम आपके पास आ गए हैं कि हमको काम चाहिए। हम जुआरियों और शराबियों को काम नहीं दिया करते। ये बात तो हमको पता नहीं था हुकुम, इस वास्ते कि दुर्जन सिंह को हम कई मरतबा दारू चढ़ाते देख चुके हैं। ये दुर्गा साहब नंबर एक के पियक्कड़ है, और ये खान साहब भी कम शौकीन नहीं है। जुए में हमसे हारे हुए 14 रुपया आज तक बाकी है, और फिर हुकुम आपको सीधे साधे शरीफ लोगों की जरूरत तो है नहीं, आपको तो हरिया जैसा मुंह फट हाथ छुट और तगड़ा आदमी चाहिए, जो आपके हुक्म से गरीब इज्जतदार किसानों के खेत खलिहान में आग लगा सके, या फिर गरीब इज्जतदार लोगों की बेटियों को आपके हुक्म से उठा ले आए। भगवान ने हमको आपसे छोटा हाथ नहीं दिया है हुक्म,
अगर हम भी आपको एक थप्पड़ सीध कर दें अभी तो क्या रह जाएगी आपकी? अर्जुन, इसे इस बदतमीजी का सबक सिखाओ। सीट के बाहर फेंक दो हरामजादे को। एक दस साले कुछ कोने में। अरे हट गुड़िया, छोड़ छोड़ ना कहता हूँ। अरे जाने दे यार, पागल है, चल। वारी ममता, पागलपन में भी अपने खून को पहचान लिया। कमाल है इस लड़के का। मैं तो हैरान हूं पंडित जी के अब तक जिंदा कैसे हैं। बहुत ज्यादा चोट लगी है, बस ये समझ लीजिए कि ये नहीं बच सकता। बस माई बस, बहुत हो गया। दो घंटे से लगातार फेरे लगा रही है, मर जाएगी तू। ये पगली भी अजीब है, रात बिसरने को आ गई मगर इसके चक्कर नहीं रुके। पागल मैं ने भी कमाल कर दी, सुबह के 4 बज गए मगर अब तक उसके पांव नहीं थके। ये पागल माई ने तो रात से भोर कर दी चक्कर लगाते लगाते। Huh?
तुम्हें एक लॉन्ग रेंज पार्टी को लीड करना है। एलआरपी? फैंटास्टिक, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। आई एम प्राउड ऑफ इट सर। तुम्हें जल्दी इस इलाके के लिए रवाना होना है। डम्बक्सो। डम्बक्सो? फर्दर ऑर्डर्स सर? वहां पहुंचने पर फर्दर ऑर्डर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सर। अब तेरा यहां रहना ठीक नहीं है आर्या। ठाकुर तेरी जान का दुश्मन हो गया है। हम जान जाने के डर से गांव नहीं छोड़ेंगे बाबा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, उसके मुंह लगना ठीक नहीं। बाबा हम ठाकुर से बदला लेकर ही रहेंगे। समझने की कोशिश कर हरिया, मैं तेरे भले को कह रहा हूं, तुझे मेरी कसम। पुजारी जी, पगली माई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? बस, खेत, जमीन। ये तीनों शब्द याद कर लो बेटा, ये तुम्हें वसीयत कर रही है। जमीन। वसीयत? वसीयत हमसे कर रही? ये बात मुझे तुझसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर तेरी जान के डर से कह न सका। ये तेरी मां है। हमारी भाई पगली कैसे हुई? बताता हूं। तालाब के पास जो खेत है ना, वही सारे झगड़े की जड़ है। तेरे दादा ने तेरे पिता के ब्याह के समय वो जमीन इसी ठाकुर खानदान के पास गिरवी रख दी थी, पर ठाकुर की नजर उस जमीन पर थी। उसने जमीन देने से इनकार कर दिया। तेरे पिता ने गुस्से में आकर ठाकुर पर मुकदमा कर दिया। चुनांचे ये अदालत फैसला करती है कि श्री राम सिंह अदालत में सिर्फ 2000 की असल रकम जमा करके अपनी जमीन पर कब्जा हासिल कर लें। बस वो दिन और आज का दिन, इसकी यही हालत है। उस समय तू 3-4 साल का था, मैंने तुझे अपने पास रख लिया। यह पागल देवी तेरे जीवन का समूचा सत्य है हरिया। सर, खेत, माई हमको एक बार बेटा कहेगी? एक बार बेटा कहते माई, एक बार। हाँ माई, एक बार माई, एक बार बेटा कहते। हाँ हमें बेटा कहे बगैर ही चलेगी भाई, हमें बेटा कहे बिना ही चलेगी। हम पूछते हैं माई इतनी चलती क्या थी? अपने आंखों से हमें अपने पुरखों के खेत में हल चलाते तो देख लिया होता माई। हम तुम्हारा दाह संस्कार अपने पुरखों की जमीन में ही करेंगे माई, और हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं माई कि जिस जमीन के लिए तू जिंदगी भर तर बतर भटकती रही है, उस खेत में, उस जमीन में हल चलाए से पहले हम नहीं मरेंगे माई।
भाई हम अपना वचन पूरा करने जा रहे हैं। इस जमीन पे हाल चलाकर ए हरिया ये क्या हो रहा है बे? देख नहीं रहे? किसान का बेटा अपने जमीन पे हल चलाया जा रहा है। तू जानता नहीं ये जमीन ठाकुर साहब की है, हुकुम की? ना ना, ये जमीन पहले हमारे पिता की थी और आप हमारी है। अगर हुकुम ने कह दिया है कि ये जमीन उनकी है तो ये जमीन उनकी है। अगर खैरियत चाहता है तो फौरन यहां से निकल जा, वरना ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारी बंदूक कह रही है तुझन। हम इस वक्त खाली हाथ है ना, इसलिए चले जाते हैं। अब सुन तो हुकुम का गुलाम, अभी अभी हम माई को वचन दिया है कि हम अपनी जमीन पे हल चला के रहेंगे, और जब माई को वचन दे दिया है तो हल चला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देख देख, माई की चिता की आग अब भी हमारे कलेजे में दहक रही है। इससे पहले कि माई की चिता की आग तुझको जलाकर भस्म कर दे, अपने गंदे पैरों को लेकर इस जमीन से चला जा। हरिया अपने अपने सारे कुत्तों को लेकर यहां से निकल जा, जल्दी कर, निकल जा यहां से। हुकुम हुकुम, गजब हो गया, हरिया ने मंगल सिंह को मार डाला तालाब के पास वाले खेत में। कम से कम आधा पौन घंटा पुराने निशान ही। तुम उधर से घेर लो इस कुत्ते को।
बाहर निकल कुत्ते। से फिर देख लूंगा। तुम लोग कौन? हमका कहे बचाया भाई? जो मौत से इतनी देर तक बच सके वो हमारे काम का आदमी है, इसलिए बचा। तुम बड़े जीवट के आदमी हो हरि सिंह, और फुर्तीले भी। जीवट कहेगा साहब, जब जान खतरे में हो तो फुर्ती आ ही जाती है। अब क्या इरादा है? किसान बच्चा हूं, हल चलाए के सिवा और क्या करेंगे? आप हमें किसानी रहने दीजिए। किसान तो हम सभी थे हरि सिंह, लेकिन ये ठाकुर लोग हल चलाने नहीं देते ना। और अब हल चलाने जाओगे तो फांसी से लटका दिए जाओगे। फांसी पर लटकने का इतना ही शौक है तो वापस वहां चले जाओ, लेकिन अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं रह जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है हरि सिंह, तुम्हें हमारी जरूरत है। सोच लो। तन्हाइयां ये दश्त का वीरान सफर, ये दर्द की तन्हाइयां ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। अपनी सुना आवाज की, किस दश्त में एक शहर था, किस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ मार गी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। सेक्शन वन ओपन LMG 5, ओपन LMG 5, ओवर एंड आउट। ज़िब्रा बंद करो। सेक्शन टू, सेक्शन टू हैंड ग्रेनेड। Yeah!
सर जॉइन योर सेक्शन सर जॉइन योर सेक्शन सर 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 दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा हो गया सर कब्जा गॉड मैं ये क्या देख रही हूँ हुकुम मुझे तो ये पक्कड़ तल्ले के राम सिंह जी दिखाई दे रही है जो कुंवर जी के अड्डे पे बैठे बैठे उनके ससुर बनने के ख्वाब देख रही है आजकल नहीं नहीं हुकुम मेरी क्या मजाल है तो फिर तूने तड़ से हाँ कैसे बोल दी कम से कम इतना तो सोचा होता कि तेरी बेटी की रगों की गंदी नाली में हमारे वंश का खून नहीं बह सकता मैं उसे एक झंडे पर उठा के सारे गांव में उसका जुलूस निकलवा दूंगा समझे अब कान खोल के सुन ले बुट्टे कुंवर जी के गांव में आने से पहले अपनी लड़की की शादी किसी से करवा दे और ये काम हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए समझे इतनी जल्दी लड़का कहाँ मिलेगा और मिल भी गया तो शादी का इंतजाम कहाँ से करूं दुर्गा साहब तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अब तक खानदानी कुंवारे हैं वैसे इनके बाप भी कुंवारे थे जा बुड्ढे हो गया तेरी बेटी के ब्याह का इंतजाम सुना है उनके मूंछें नुकीली हैं और आंखों में काजल भी डालते हैं डाकू ऊपर आ रहे हैं छोड़ो मुझको छोड़ो छोड़ो मुझको बचाओ बापू अरे क्या एक एक नग घिसता जा रहा है ये बता सारा माल कितने का है माल अबे डरता क्यों है आजकल सोने का भाव तो खूब चढ़ा हुआ है तेरी तो चांदी चांदी है या तो पीतल ही पीतल है क्या मतलब ये सोना नहीं है मालिक पीतल पे सोने का पानी लड़की अरे गोगा भाई हरिया सौतेली माँ के किए की सजा बेटियों का है दे रहे हो हा? हमने तुझसे तेरी राय मांगी क्या अरे हमने तुमसे अपनी राय का दाम मांगा का क्या कहना चाहते हो हम तो कुछ नहीं कहना चाह रहे गोगा भाई ये बंदूक कुछ कहना चाह रही है शारदा भैरव से कहो घोड़ा लाए घोड़ा लाओ शारदा गोगा भाई तुम हमारे आगे आगे चलोगे सीधी सीधी चाल सीधा सीधा रास्ता चल होगा भाई पानी में रुक क्यों गए गोगा भाई आगे बढ़ो हरि सिंह पीछे मुड़कर देख मैंने इशारा किया नहीं कि तुम दोनों की लाशें पानी में तैरती दिखाई देंगी ए गोगा भाई वो बंदूकें तो बहुत दूर है गोली यहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा ये बंदूक तुम्हारे पीठ से चिपकी पड़ी है उंगली का जरा सा इशारा हुआ गोगा भाई
ये बंदूक की गोली तुम्हारा सीना फाड़ के बाहर निकल जाएगी। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूकें पानी में फेंक दें। अरे सुनो, बंदूकें पानी में फेंक दो। बंदूक दो, इनमें से कोई जन आगे बढ़े तो गोली डाल देना, हिचकिचाना मत। एक होगा भाई, एक बार तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। हम लोगन का आपस का हिसाब बराबर, मगर इतना आप याद रखना, अब हमें आपकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आज के बाद 20 कोस इधर उधर तक आप हमको नजर मत आना, चले जाओ यहां से। राम राम। अब तू यहाँ का लेने आई है? तू हमारे लिए मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। ये क्या कह रही हूँ माँ? मैं अच्छी हूँ, सच में अच्छी हूँ। पापा मुझे डाकू ने छोड़ दिया। छोड़ दिया? का डाकू ने ऐसे ही छोड़ दिया? और तू तू सीधी चली आई बाप की कटी नाक पर नमक छिड़कने के लिए? डूब के मर क्यों ना गई बेशरम? चल दफा होता यहाँ से, चल हटो, कुछ नहीं सुनना। पापा, माँ दरवाजा खोलो, माँ, पापा, माँ, माँ मैं कहाँ जाऊँ? जा अपनी मरी हुई माँ के पास, तुझे तो कहीं जाके मर जाना चाहिए। क्या मां बनने वाली ना होती तो शायद जी भी लेती। अरे पागल, जीवन जैसा भी हो देवता लोगों का वरदान होता है, और फिर मां बनना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आदर है। बात करना बहुत आसान है, तुम मर्द हो ना, तुम्हें क्या मालूम? हर बच्चा देवताओं का वरदान नहीं होता। सब समझते हैं, जानते हैं इस दर्द को। तुम्हारे बच्चों को यही तो पता होगा कि उसका माँ बाप कौन है। 25 बरस की उम्र तक हम यही नहीं जाना कि हमारा बापू कौन है, हमारी माँ कौन है। बलराज लौटेगा तो तुम का जवाब दोगे अपने पागलपन का? चलो सर, व्हेन एम आई गोइंग होम? वेरी सून, बट आई हैव अ लिटिल सैड न्यूज फॉर यू। तुम्हारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन हमें मजबूरन तुम्हारी एक किडनी निकालनी पड़ी। ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई गई थी। लेकिन सर, डोंट वरी, इससे तुम्हारी नॉर्मल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अब तुम आर्मी की सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। नो आर्मी सर्विस? आई एम सॉरी माय बॉय, एंड गुड लक इन सिविलियन लाइफ। इतने सारे खत लिखे, एक का भी जवाब नहीं आया। अरे का पता जवाब आ भी गया तुम्हारे बाबा के पते पे। एक काम करो, एक खत और डालो यहाँ के पते से। अरे बलराज बाबू बहुत शरीफ आदमी है, देखना खत मिलेगा, जवाब में तार के बदले वो खुद टपक पड़े। अच्छा एक काम करो, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो शारदा, शारदा एक काम करो, ये खर्चा पानी के लिए कुछ रुपया अपने पास और रखो, और हम टरक लेते हैं पतली गली से। पर तुम रहते कहाँ हो? अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, यही आस पास में। फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे किसी को बताया तो नहीं कि हमारा नाम हरि सिंह है? नहीं, भूल कर नहीं। हाँ, हाँ?
ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरान सफर। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए, अपनी सुना आवाज़ की। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ मार गई ये दिल, ये पागल दिल मेरा। जमीन हमारी है और इस पे हमारे सिवा और कोई हल नहीं चलाएगा। किशनगढ़ वालों, आप लोगों में से जो भी मेरे बापू की आयु के हैं, वो जानते हैं कि मंदिर और तालाब वाली जमीन हमारी है और हमने अपनी मां को कसम दिया है कि उस जमीन पे हल अब हम चलाएंगे। एक बात और सुन लो, हमारी जमीन को किसी और ने हाथ तक लगाया तो मां कसम हम उसकी जान ले लेंगे। हम जाते हैं पहली और आखिरी चेतावनी देकर। हरिया ने हुक्म की ताकत को ललकारा। ललकारा नहीं है दुर्जन, हमारे मुंह पर कालक मली है उसने। हमें इस हवेली से बाहर निकलने के लायक नहीं छोड़ा उसने। किस मुंह से जाएंगे हम लोगों के सामने, उन लोगों के सामने जो कल तक हमारा नाम सुनकर कांपते थे, आज वही मुंह छुपा के कहेंगे यही है वो ठाकुर बलराम सिंह जिन्हें एक लावारिस हरिया ने हर एक गांव ललकारा है। पर हुकुम, ये हरिया आदमी है के छलावा, सरकार ने इसके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा, फिर भी हाथ नहीं आ रहा है। दुर्जन, हमारी तरफ से हरिया की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम और लगा दो। तुम फौरन जाके पुलिस को खबर कर दो। दरवाजे पर अपने आदमी लगा दो ताकि हरामजादा निकल ना पाए। छुप जा नहीं, बचना है यार जरा।
जल्दी पीछा करो, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी पीछा करो। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, बुला लो डॉक्टर को, डॉक्टर पुलिस को ले आएगा और फिर पुलिस हमारी जम के मरहम पट्टी करेगी और फिर बाद में फांसी पर लटका देगी। लेफ्टिनेंट बलराज, तुम्हारे ऑनरेबल डिस्चार्ज के पेपर्स आ चुके हैं। सॉरी टू लूज यू माय बॉय, मगर तुम्हें खुश होना चाहिए कि जिस मिशन पर तुम्हें भेजा गया था तुम उसमें कामयाब रहे। थैंक यू सर, इट वाज एन ऑनर टू हैव वर्क्ड अंडर यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपके वो दोनों प्यादे कहां चले गए हुकुम? आप अकेले ही खेल रहे हैं? हम इस बात से बहुत परेशान हैं दुर्जन कि बलराज वापस आ रहा है, बहुत गड़बड़ करेगा वो। एक तरकीब है हुकुम, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। क्या? आप वो हरिया वाली जमीन कुंवर जी को दे दीजिए। हरिया कुंवर जी का दोस्त है, अगर कुंवर जी ने उस जमीन पर हल चला लिया तो समझिए हरिया का रावण जल गया, और अगर कुंवर जी उस जमीन पर हल ना चला पाए तो आपको भतीजे का सोग आय हाय, जरा मैं भी तो सुनूं, सच ठच के ये सवारी इस वक्त कहाँ जा रही है? मैं हरिया से मिलने जा रही हूँ मौसी। आज लाला सुखराम आ रहे हैं, उनके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें हीरे और मोती के फल आते हैं, वो ज्वारी तुझे क्या दे सकता है, न इज्जत और न दौलत। एक छोटा सा घर और सच्चा प्यार तो दे सकता है मौसी, इस वक्त उसे मेरी सख्त जरूरत है। अगर तुम खुशी से नहीं जाने दोगे तो भी मैं जाऊंगी जरूर। ठीक है, मैं जानती हूं इस वक्त तेरे सर पर इश्क का भूत सवार है, लेकिन एक बात याद रखना, इन घरों से निकलने का कोई रास्ता नहीं। बधाई हो भैया, भौजी पेट से है, थोड़े ही दिन में बाप बन जाओगे। आप जरा भटकना बंद करके घरवाली के साथ रहो, पहला बच्चा होने वाला है, ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। अरे हम का ख्याल रखेंगे, हमको ख्याल रखना आता है क्या? संभालना तुम्हीं को पड़ेगा सुलभा। अच्छा। हाँ एक बात सुनो, लड़का चाहिए लड़का। किसके तरह? अपने यार बलराज की तरह, बिल्कुल। इस लॉन्ड्री ने तो पहले ही अर्ज किया था शहजादी साहिबा कि इस कोठे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। धर्म पत्नी बनने का सपना दिमाग से निकला या नहीं? मैं अपनी आंखों की तरफ से कसम खाती हूँ कि अब मेरी आंखें कभी सपने नहीं देखेंगी। अच्छा हुआ तुम ठिकाने पर आ गई, तुम्हारे पांव में कभी पाजेब नहीं पड़ेंगे, सिर्फ ये घुंघरू रहेंगे। मेरे घुंघरू, मेरे घुंघरू।
मैं तुमसे सच कह रहा हूं बेटे, शारदा बहुत आवारा औरत थी। वो तो दुर्गा साहब ने तुम्हारे सामने शर्म से बात नहीं की, लेकिन वो तो उससे फंसी हुई थी। उसे यहां तक कह रही थी कि मुझसे ब्याह कर लो। वो तो भगवान ने दया की, डाकू उठा के ले गए उसे, और तुम और दुर्गा सहाय दोनों बच गए। मैंने सुना है कि अब वो तुम्हारे दोस्त हरिया की रखेल है। चाचाजी, उसके बच्चे की मां बनने वाली बेटे। कभी नहीं चाचाजी, ना तो आप हरिया को जानते हो ना ही शारदा को, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा बेटे, सारा जगत कहता है, सारी दुनिया कहती है। जगत क्या, अगर भगवान भी ये बात कहे तब भी ना मानो। ठीक है बेटे, अब मैं स्टैम्प पेपर पर हरिया और शारदा के दस्तखत तो नहीं लाके दिखा सकता तुम्हें? आपको उनके दस्तखत करवा के मैं दिखाऊंगा चाचा जी। पुलिस, हाँ, एकदम पास में, बड़ी मुश्किल से रास्ता काट कर आई हूँ। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, चलो। हमसे नहीं चला जाएगा शारदा। चाचा जी। हाँ बेटा, क्या सोचा तुमने? मैं हरिया वाली जमीन पर हल चलाऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ। ये क्या हो रहा बलराज? देखा नहीं, हल चला रहा था। सारे इलाके को मालूम है कि जमीन पे हल चलाए वाले को हम मिट्टी में मिला देने की कसम खा चुके हैं, और तुम हमारे दोस्त होकर भी। दोस्ती का नाम मत ले, काम की बात कर। काम की बात तो काम की बात, हम शारदा। कौन शारदा? वो शारदा जिसकी बच चलने की वजह से उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, वो शारदा जिसके नाम पर इस गांव की गंदी नालियां तक थूकती हैं। अरे, वो शारदा जो आज चारपाई की तरह हर आदमी के लिए बिछ रही है। बलराज, वो शारदा जो तुझ जैसे कमीने की रखेल है। बलराज, वो शारदा जो तेरे बच्चे की माँ बन। कभी नहीं, तू जिंदा रहने के लायक नहीं। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, आज मैं तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। जिस शारदा को तुम गाली दे रहे थे कुमार जी, आज उसी शारदा ने तुम्हारी जान बचा ली, समझे? तुमने इतनी घटिया बात की है कि हमारा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं रहा। और रही जमीन की बात, उसके लिए हम फिर आएंगे, फिर आएंगे। मियां करामत जी, इस बहार की पुड़िया पर कुछ हो जाए। ये सुल तरन्नुम में तरन्नुम। अर्ज कर रिया हुजूर। ये जुल्फ ये सीना देख रिया हूं। शारदा, शारदा, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है का?
घबराओ नहीं, हम अभी कोई दारू लेकर आते हैं, अभी आते हैं। अरे श्यामली, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? बड़े मौके से मिल गई हो, हमारा तो हाथ पांव फूल रहा था, अब फटाक दे दो घोड़े पे बैठ जाओ। क्यों? अरे हमें एक औरत की जरूरत थी, जल्दी करो ना। तुम्हारी जरूरत से मुझे क्या लेना देना हा? और फिर तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए शारदा जो है तुम्हारी जोरू। अरे उल्लू की पट्टी बेफजूल की बात मत करो, एक तबड़ाक दिया तो मुंह का भूगोल इतिहास बदल दूंगा, जल्दी कर। अरे कोई मजाक का वक्त का, शांति समझने की कोशिश करो, चल ऊपर, जल्दी आ जा, चल। राम राम छोटे ठाकुर। बिहारी घोड़े सोता। बेटा मुबारक, सूरत अलबत्ता तुमसे मिलती नहीं, मगर घबराओ मत, अभी तो उसकी सूरत कच्ची है, धीरे धीरे तुम्हारी सूरत का निकल आएगा। अरे उल्लू पने की बातें मत करो, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत के वक्त में बताऊंगा। ये हमारा बेटा नहीं है। अरे बलराज सिंह का बेटा है। हाँ, और बलराज सिंह खामखा गलतफहमी का शिकार बना बैठा है, शारदा से अलग नाराज है, हमसे तो खैर नाराज है ही। हाँ। और नहीं तो क्या, हमका तुम बेवफा समझी थी। हरिया, मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी, इसलिए जानता नहीं कि माफी कैसे मांगी जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, अंदर जाओ, मर्द आदमी हो, बाप बने हो, बाप जाओ अंदर। अरे हमारा वो टुकुर टुकुर का देख रहे हो, जाओ अंदर, बिटुआ को प्यार करो, जाकर अपने जोरू से माफी मांगो, जाओ, चलो अंदर जाओ। अरे जाओ भाई जाओ। जाओ शारदा। कुंवर जी, आप तो देवता हैं देवता, इस अभागन को तो गांव वालों ने और घर वालों ने भी ठुकरा दिया था, मगर मगर आपने स्वीकार कर लिया। मैंने कोई कमाल नहीं किया है, आपकी बेटी गंगा की तरह पवित्र है, अब तो मुझे उस सलील इंसान से मिलना है जिसने हमारे खानदान के खून को बदनाम किया, जिसने मेरे और मेरे दोस्त के बीच खून खराबा कराने की घिनौनी साजिश की, जिसने इसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहा। बस कुछ रोज के लिए और आप संभाल लीजिए, जब तक मैं अपना हिसाब बराबर कर लूंगा अपने चाची से। तो शारदा आवारा है, दुर्गा सहाय के साथ फंसी हुई थी, हरिया की रखेल है। चाचा जी, तुम्हें तो चाचा कहते हुए समान मैली होती है, शारदा के साथ तुमने जो अन्याय किया है ठाकुर बलराम से, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ जाकर मेरी भी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपया इनाम रखवा दो, अब मैं हरिया के साथ मिलकर तुमसे टक्कर लूंगा। दुर्जन, हम देख रहे हैं कि अब इसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं,
मैं तो ये राय नहीं दूंगा हुकुम। तो क्या ये बदतमीजी हम चुपचाप बर्दाश्त कर ले? बिल्कुल नहीं हुकुम, मगर फिर वही बुजुर्गों की कहावत, जो गुड़ दिए मरे उसे जहर क्यों दीजिए। तरकीब मैं बताता हूं, फिर ना हरिया रहेगा ना बलराज। अरे श्यामली, संभाल कर, एक किनारे होकर। अरे मर गए आदमी, पागल हो गए का भाई, खास खखार कराना चाहिए ना। अबे बहरे आदमी, कैसा दोस्त है तो उसकी आर तक नहीं समझता हा? का बात है, आज बहुत लड्डू फूट रहे हैं आवाज में। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, अगर सुनोगे तो फूले नहीं समाओगे। हाँ चाचा जी मान गए। का मान गए? यही के तालाब के पास वाली सारी जमीन तुम्हारी है और तुम्हें मिलनी चाहिए। एक बार फिर से बोल। बोलना क्या, सुन, कल आ जाना, कागज तैयार मिलेंगे। माँ यह जिंदा होती तो कितना खुश होती। हरिया, कल आना, भूलना नहीं। भूलेंगे कैसे भैया, इसी कल का तो हमें बरसों से इंतजार था। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भैया की भगवान, माई मुझे डर लग रहा हरिया। मैं पूछती हूँ, जिस जमीन के वास्ते इतना खून खराबा हो चुका है, उसे ठाकुर साहब ने झट से कैसे दे दिया? अरे झट से नहीं दिया होता तो बलराज हमसे कैसे कहता? अरे हमको बलराज पे पूरा भरोसा है। हाँ ओफो, देखो ना, घोड़ा भी मना कर रहा है, मत जाओ। अरे तुम पागलपने की बातें मत करो। देखो पहले तुम मिली और अब जमीन मिल रही है, इससे ज्यादा का चाहिए और हरिया के साथ को? तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे होने वाले औलाद को तो पिता का प्यार चाहिए ना। औलाद काका, हरि नारायण सिंह उर्फ हरिया का बेटा, ये देखो। अरे बाप रे, ये तो पढ़ाई गजब का सबूत निकला। वो दिल में जरा से आशंका थी वो भी गई। अगर कहीं तुम्हारा डर सही निकला और हम कहीं फंस फंसा गए तो ये हमारा बेटा मौजूद रहेगा जमीन की लड़ाई के वास्ते। आज तक दुर्जन सारा बंदोबस्त हो गया। बेफिक्र रहिए हुकुम, आज वो बचकर नहीं जा सकता। आ बलराज आओ, वही तुम्हारा दोस्त तो बड़ा सुस्त है, अभी तक आया नहीं। सुस्त नहीं चाचा जी, बहुत तेज है, और फिर आज तो वो छलांगे मारता हुआ आएगा। लो शैतान को याद किया, शैतान हाजिर है। मैं अभी जा। चला चला ना, चाचा जी से मिल ले। हुकुम हमको माफी दे दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी किस बात की हरिया, मैंने खुद तुम लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? वो तो बलराज ने आके खोल दी मेरी, तुम्हारी जमीन लौटा कर अपने पापों का प्रायश्चित भी कर रहा हूँ और अपना फर्ज भी पूरा कर रहा हूँ। ये तुम्हारी जमीन है, वो रहे तुम्हारे हल बैल, अब शगुन के तौर पर अपने हाथों के साथ इस हल से अपनी जमीन पे एक लकीर खींच दो। जी हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? इसकी कोई जरूरत नहीं, आओ बेटे इसे अपना वचन पूरा कर लेने दो, इस जमीन पर अब हमें अपना साया भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है चाचा जी। आप Thank you.
क्या हुआ? चाचा जी, आपने हरिया के साथ न्याय करके कमाल कर दिया है। कमाल तो अब होने वाला है भतीजे। तुम क्या समझते थे भतीजे कि लाखों की जमीन मैं इस हरमजादे को यूं ही दे दूंगा? ले जाओ इसे, किसी झोपड़े में डाल के आग लगा दो। अरे कमीने कुत्ते बलराज, जाकर मिल गया ना अपने चाचा से आखिर। कायर काम दे, हिम्मत हो तो काम दे कि तू दोस्ती के नाम पे दाग है, विश्वास के नाम पे धिक्कार है। ठाकुर, अरे तुम सारा सिर्फ नाम का ठाकुर है, तुम्हारे खानदान के खून में जरूर कोई खराबी रही होगी। हम तुमसे धोखा नहीं खाया है ठाकुर, हम बलराज से धोखा खाया है। अपनी मौत के ख्याल से हम दुखी नहीं है, अपनी दोस्ती की मौत से दुखी है ठाकुर। आखिर सामने आ गए ठाकुर, अपना हिसाब किताब चुकता करने। हिसाब तो चुकता करना है मुझे हरिया, लेकिन धीरे धीरे। पहले तेरी हर बदतमीजी का जवाब देना है मैंने। ये बैल खोल दो और जोत दो इस हरामजादे को इस बैल की जगह हल के साथ। क्या हरिया, बहुत शौक था ना इस जमीन पर हल चलाने का तुझे? चल अपना शौक पूरा कर, चला हल। इसी जमीन पर हल जोतना था ना तुझे? हाँ चल। यह उस थप्पड़ का जवाब है जो तूने मेरे मुंह पर मारा था। इन हाथों के साथ, इन हाथों के साथ हल जोतेगा। उठ, लगता है शौक पूरा हो गया तेरा। खोल दो इसे और बंदूक दो मुझे। हरिया, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हमारा खून एक है, अपने कुत्तों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक कर यहां से दफा हो जाए। अपनी बंदूकें फेंक दो और चले जाओ यहां से।
नहीं, अब हमारी बारी है ठाकुर, लेकिन हम तुम्हें पहल की तरह हल से नहीं जोतेंगे, तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे ठाकुर, लेकिन अपने पुरखों की इस पवित्र जमीन से बाहर निकालने के बाद। ये हमारी जमीन पे कब्जा करने के लिए ठाकुर, ये हमारे बाप का खून बहाने के लिए, और ये हमारी माई को पगली बनाने के लिए, ये हमको यतीम और लावारिस बनाने के लिए ठाकुर। राम सागे, अब मरने के लिए नहीं, नहीं, ठहर जा। इस मरे समान को मारने से क्या फायदा, इसे आखिरी बार माफ कर दे, इस कमीने से कानून निपट लेगा। तू माई को दिया हुआ वचन पूरा कर, बंदूक नहीं हल चला अपनी जमीन पर। चल। जमीन पे हल चलवाओगी, हल चलवाओगी हमारी जमीन पर। दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज की, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवाज की, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज की, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या।